जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़वारा थाने में जाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला कांग्रेस विधायक के साथ बदसलूकी के संबंध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध जताने पर है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बड़वारा थाने में जाकर प्रदर्शन किया। दरअसल एक दिन पहले बड़वारा विधायक को जमीन पर अतिक्रमण की सूचना स्थानीय रहवासियों के द्वारा मिली थी। इसके बाद बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा जब अतिक्रमणकारियों से बात की गई तो बीजेपी के उपमंडल अध्यक्ष प्रिंस गुप्ता के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत बड़वारा विधायक ने थाने में जाकर की। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी आरोपी खुला घूमता रहा और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके चलते कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा थाने में जाकर प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कुछ अराजक तत्वों ने, जिनको गुंडा बदमाश की श्रेणी में मानना चाहिए, जिनके ऊपर 2500 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने बैठे हैं। हमको अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस गुंडे बदमाश को अपने साथ पद दे देती है और संरक्षण देती है, कल उस व्यक्ति ने हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ, विधायक के साथ झूमा झपटी किया, अभद्रता किया और मारपीट करने की धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया। लेकिन पुलिस ने 11 बजे से लेकर के कल 12 बजे रात तक उस गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर पाई और गुंडा रोड पे घूमता रहा। अपराध कायम हुआ था, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। सर कितने बजे गिरफ्तारी हुई? अब बजे तो नहीं बता सकते, हम देखेंगे तब बता पाएंगे। सर पूरा क्यों लेट की सुबह? अरे मान देख, 11 बजे की जांच भी करना पड़ेगी। 11 बजे की घटना? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। 18 घंटा बाद क्यों? अरे मान लिया जी, नहीं मिलेगा आदमी तब तो वो बताते हैं कि वो बड़वारा में गली बताते हैं। ये तो जांच का विषय है। सर पूरा मामला क्या था, किसके साथ ये घटना घटित हुई थी? ये विधायक जी जो है यहाँ कांग्रेस के, बसंत प्रताप सिंह, उनके साथ घटना घटी थी।